हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मेरा नाम मुकेश सीतपाल, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, आईटी यूनिवर्सिटी ग्वालियर। तो आज हम बात करेंगे गैसियस एक्सचेंज के बारे में। ये आपका यूनिट नंबर सेकंड का लेक्चर नंबर 18 है। सब्जेक्ट आपका सॉइल टेक्नोलॉजी, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, थर्ड सेमेस्टर। तो आज की आउटलाइंस कुछ इस तरीके से रहेंगी। सॉइल एयर, सॉइल एरेशन प्रोसेस, गैसियस एक्सचेंज, ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूज़न, सॉइल टेम्परेचर, थर्मल कॉन्सेप्ट, असाइनमेंट, लर्निंग आउटकम एंड डिफरेंसेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉइल एयर के बारे में। तो सॉइल एयर वाटर, किसी भी सॉइल मास में जो एयर है और जो वाटर है वो उसके पोर स्पेस को जो है वो भरता है। इसी के कारण जो सॉइल का टेक्सचर होता है, सॉइल का स्ट्रक्चर होता है, सॉइल की पोरोसिटी होती है, वो एरेशन को या हवा के आदान प्रदान को जो है वो प्रभावित करती है। तो हवा जो है, एयर जो है, वो एक मिक्सचर है जिसमें कि नाइट्रोजन भी होगी, ऑक्सीजन भी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, वाटर वेपर भी होंगे और उसमें कुछ इनर्ट गैसेस भी प्रेजेंट रहेगी। तो एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर एक्चुअली एक एनवेलप है जो कि एक पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पे है जो कि हमें घेरे हुए है, उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। उस एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन मौजूद है उसे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कहेंगे, एटमॉस्फेरिक एयर कहेंगे, और जो एयर सॉइल में मौजूद है उसे सॉइल एयर कहेंगे। तो जो ऑक्सीजन है, एयर है, वो सॉइल के रूट जोन में हमें चाहिए रहती है ताकि रूट का जो रेस्पिरेशन सिस्टम है वो चलता रहे और जो भी माइक्रोबियल एक्टिविटी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी है जो रूट जोन में परफॉर्म हो रही हैं वो भी चलती रहें, इसके लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो वहाँ पे जो वेंटिलेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो किसी आइडल सॉइल मास में जो एयर होती है वो 25% होती है, वाटर 25% होता है, मिनरल्स 45% होते हैं, 5% जो होते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं और 0.5% से भी कम सॉइल बायोटा होते हैं। सॉइल बायोटा मतलब सॉइल में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, नेमेटोड्स, प्रोटोजोआ, ये सारी चीज़ें जो है सॉइल बायोटा कहलाते हैं। ये लेस देन 0.5% होते हैं। ठीक है, तो सॉइल एक हाउसिंग है जिसमें ये सारे कंपोनेंट जो है वो मौजूद रहते हैं। अब सॉइल की जो एरेशन प्रोसेस है, जो हवा का आदान प्रदान सॉइल मास में होता है, वो सॉइल एयर वो क्या है, जिसमें कि सॉइल में मौजूद जो एयर है वो रिप्लेस की जाती है एटमॉस्फेयर में मौजूद एयर से। तो एरेशन प्रोसेस जो होती है वो इस कारण से होती है कि कंपोजिशन ऑफ सॉइल एयर विद दैट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। एटमॉस्फेरिक एयर का कंपोजिशन क्या है और आप में के सॉइल में मौजूद एयर का कंपोजिशन क्या है, उसके आधार पे ही, उसके कारण ही जो सॉइल का जो एरेशन है, हवा का आदान प्रदान जो है वो होता है। तो जो कंपोजिशन है सॉइल एयर का किसी भी समय पे, वो दो चीज़ों के कारण होता है। आपके सॉइल में जो एयर है उसका जो कंपोजिशन है वो दो कारणों से जो है वो होता है। पहला तो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बन रही है रूट जोन में और ऑक्सीजन कितनी कंज्यूम हो रही है। दूसरा ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड किस रेट से निकल रही है सॉइल मास से और ऑक्सीजन कितना उसको रिप्लेस कर रही है। इसके आधार पे ही निर्भर होता है कि सॉइल एयर का जो कंपोजिशन है वो क्या होगा।
तो सॉइल के एरेशन में दो गैसें जो महत्वपूर्ण है वो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब एक होता है पुअर सॉइल एरेशन। पुअर सॉइल एरेशन ये होगा कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी आपके रूट जोन में। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो प्लांट की जो ऑप्टिमम ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगी, जो एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। ये तब होगा जब 80% से ज़्यादा पोर स्पेस जो है सॉइल का वो पानी से भर जाएगा। दूसरी एक कंडीशन आती है वो कहलाती है वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग में क्या है, सारे जो पोर्स हैं सॉइल के वो सारे पोर्स भर गए किससे, पानी से, 100% पोर्स भर गए, तो उस कंडीशन को वाटर लॉगिंग कहते हैं। तो तीसरा एक होता है एनएरोबिक सॉइल एनवायरनमेंट। तो जब सॉइल में ऑक्सीजन की सप्लाई है वो वर्चुअली एग्जॉस्टेड हो जाए, तो उस कंडीशन में जो एनारोबिक सॉइल एनवायरनमेंट है, तो कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो अपनी लाइफ जो है वो सैचुरेटेड सॉइल में जो है वो बिता लेते हैं, तो ऐसे पौधों को कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। गैस एक्सचेंज, तो मोर रैपिड रूट्स एंड माइक्रोब्स यूज अप ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं सॉइल मास में या पौधे की जो जड़ें हैं वो ऑक्सीजन को लेके कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो छोड़ती हैं। तो ग्रेटर इज द नीड ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन द सॉइल एंड एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे ज़रूरी ये है कि अगर वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन, जब सॉइल में मौजूद ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा तो वातावरण की जो ऑक्सीजन है वो सॉइल में एक्सचेंज वो चली जाए, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि जो गैस का एक्सचेंज है कार्बन डाइऑक्साइड सॉइल से निकलती जाए और न्यू फ्रेश ऑक्सीजन जो है वो सॉइल एयर में जुड़ती जाए, उसे ही हम गैस एक्सचेंज कहते हैं। अभी जो गैस एक्सचेंज है सॉइल और एटमॉस्फेयर के बीच में, ये दो मैकेनिज्म से होता है। पहला तो होता है सॉइल मास फ्लो और दूसरा होता है डिफ्यूज़न। इन दो कारणों से ही जो वातावरण में मौजूद एटमॉस्फेरिक एयर है वो सॉइल एयर में जाती है। मास फ्लो में क्या होता है, मास फ्लो तब होगा जब आपका वाटर कंटेंट का फ्लक्चुएशन जो है वो सॉइल में चलता रहेगा। मतलब वाटर जो है वो जो सॉइल पोर्स में भरा हुआ है उसका कंसंट्रेशन या वाटर कंटेंट जो है जैसे कम ज़्यादा होता जाएगा, उसके आधार पे ही जो है एटमॉस्फेयर में जो मौजूद ऑक्सीजन है वो सॉइल में अंदर जा पाएगी। तो वो जो है वो फोर्स करता है एयर को अंदर जाने से और बाहर निकलने से किसी भी सॉइल मास में। और जो डिफ्यूज़न होता है उसमें गैस एक्सचेंज होता है वो पार्शियल प्रेशर से होता है। अब ये पार्शियल प्रेशर क्या है इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मास फ्लो के थ्रू कैसे एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन जो है वो सॉइल एयर में जाती है, तो यहाँ पे जो मूविंग फोर्स है वो है टोटल गैस प्रेशर। टोटल गैस की अगर हम बात करते हैं तो जैसे एयर है तो एयर में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और भी दूसरे गैसेस हैं, तो ये सारी गैसें मिलकर जो प्रेशर डालती हैं उसे कहते हैं टोटल गैस प्रेशर। तो इसी के कारण ही जो है वो एटमॉस्फेयर की जो एयर है वो आपके सॉइल मास में जो है वो मूव करती है। तो इसमें क्या होता है, बल्क मात्रा में गैस के मिक्सचर का जो है वो मूवमेंट होता है और ये हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर जोन की तरफ होता है। हायर प्रेशर और लोअर प्रेशर क्या होता है, एक तरफ जहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा एटमॉस्फेयर के एयर का और एक प्रेशर वो है जहाँ प्रेशर कम है। तो आप जानते हैं कोई भी चीज़ हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ ही जो है वो मूव करती है।
दूसरा तरीका है डिफ्यूज़न, और डिफ्यूज़न में जो फ्लो होता है एटमॉस्फेरिक एयर का, वो होता है पार्शियल प्रेशर के कारण। पार्शियल प्रेशर क्या होता है कि जैसे सॉइल में ऑक्सीजन है और सॉइल में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो हर गैस अपना सेपरेट अगर प्रेशर उसको कैलकुलेट करोगे आप, जैसे ऑक्सीजन का प्रेशर अलग कैलकुलेट करो, कार्बन डाइऑक्साइड का अलग करो, नाइट्रोजन का अलग करो, तो हर गैस का अपना खुद का जो प्रेशर वो एग्जर्ट कर रही है उसको कहते हैं पार्शियल प्रेशर। तो हर गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है उसके डिफरेंस के कारण ही जो एटमॉस्फेरिक एयर है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, वो सॉइल में जाके प्रवेश करती है, जबकि जो टोटल प्रेशर होता है वो दोनों तरफ समान ही होता है। ठीक है, जहाँ से एयर जा रही है और जहाँ से एयर निकल रही है, दोनों तरफ टोटल प्रेशर सेम है। लेकिन अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है वातावरण से आने वाली हवा में, और जो ऑक्सीजन सॉइल एयर में मौजूद है उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर कम है, तो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भी जाएगी, तो सिर्फ ऑक्सीजन ही उसके अंदर जाएगी, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर नहीं जा पाएगी। ठीक है, तो डिफ्यूज़न जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है सॉइल एरेशन का एज़ कम्पेयर टू मास फ्लो के। लेकिन मास फ्लो जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जबकि सॉइल एरेशन ऐसी सॉइल में हो जिसकी गहराई ही बहुत कम हो और उस सॉइल में पोर स्पेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मौजूद हो। अब सॉइल डिफ्यूज़न जो को कैसे देख सकते हैं, उसके लिए एक होता है फिक्स लॉ। अब फिक्स लॉ क्या होता है, तो फिक्स लॉ को एक समीकरण से हम समझते हैं, जे इज़ इक्वल टू माइनस डी डी सी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे जे जो है इसको कहते हैं रेट ऑफ डिफ्यूज़न या मास फ्लक्स, जो भी आप कह लो। यहाँ पे डी जो है इसको बोलते हैं कोफिशेंट ऑफ डिफ्यूज़न, और यहाँ पे डी सी अपॉन डी एक्स जो है इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये जो इक्वेशन है वो है स्टडी स्टेट फ्लो के लिए। ठीक है, तो इसमें जो आपका डिफ्यूज़न का रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। तो जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाता है, जो आ जाता है माइनस डी, जिसको बोलते हैं कोफिशेंट ऑफ डिफ्यूज़न। अब माइनस का साइन इसीलिए आया क्योंकि गैस जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो मूव करती है, और यहाँ पे जो जे है वो ये बताता है कि कितना गैस एक सेकंड में डिफ्यूज़न हो रहा है। ठीक है, तो इस समीकरण के माध्यम से आप किसी भी सॉइल में कितना डिफ्यूज़न हो रहा है वो आप निकाल सकते हैं। ये जो सेकंड वाला है ये हमारे कोर्स में नहीं है, तो इसे हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये पीपीटी भी डिस्कस नहीं करेंगे। अगला जो लॉ है उसे कहते हैं ग्राहम लॉ। तो ग्राहम लॉ जो है वो डिफ्यूज़न को बताने के लिए एक लॉ है, वो ये बताता है कि किसी भी सॉइल में जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज। अब मान लीजिए कि दो गैसेस हैं, एक का नाम दे दिया ए और एक का नाम दे दिया बी, तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न आर बराबर, इसको आप ऐसा लिख लीजिए आर इज़ इक्वल टू आर ए डिवाइडेड बाय आर बी, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब व्युत्क्रमानुपाती होगा स्क्वायर रूट ऑफ उनकी डेंसिटी के। तो ए की डेंसिटी के व्युत्क्रमानुपाती मतलब वन अपॉन रो ए, मतलब आर ए इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट वन बाय रो ए, एंड आर बी इज इक्वल टू वन अंडर रूट वन अपॉन रो बी। तो जब ये दोनों आर ए अपॉन आर बी हम करेंगे तो वो आएगा आर प्रोपोर्शनल टू रो बी अपॉन रो ए,
यहाँ पे जो रो है वो डेंसिटी को शो करता है, ठीक है, और आर जो है वो आर ए और आर बी का अनुपात है, जिसे हम रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस बोलते हैं। तो ग्राहम ने क्या किया कि किसी सॉयल मास में दो गैसेस को जो है, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ले लें, तो उसके मिक्सचर को डिफरेंट अलग अलग करके दोनों का डिफ्यूज़न रेट जो है उसने देखा, ठीक है। तो दो गैसेस को सेपरेट करने की जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं एटोमोलाइसिस। अब सॉयल एयर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो हम बात करते हैं। पहला तो ये होता है कि कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन अदर गैसेस इन सॉयल, किसी भी सॉयल मास में ऑक्सीजन और अदर गैसेस जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। दूसरा है एयर फिल्ड पोरोसिटी। तीसरा होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। अब ये तीनों को हम एक एक करके स्टडी करेंगे। तो परसेंटेज ऑफ एयर एंड अदर गैसेस इन सॉयल, तो जैसे मैंने बताया दो एयर होती है, एक सॉयल एयर होती है और एक एटमॉस्फेरिक एयर होती है। दोनों में अलग अलग जो तत्व मौजूद हैं उनका कंसंट्रेशन अलग अलग होता है। तो इसमें आप देखेंगे कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में 20.95 है, लेकिन सॉयल में 20.42 है। ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं रूट जोन में, वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जब ऑक्सीजन लेंगे तो ऑक्सीजन का जो लेवल हो जाएगा सॉयल एयर में वो कम हो जाता है। जबकि आप कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज एटमॉस्फेयर में देखेंगे तो 0.03 है, जबकि सॉयल में जो है 0.56 है। तो ये 8 गुना से लेके 300 गुना तक जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसका कारण मैंने आपको बताया है कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं रूट्स में वो सब ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। फिर है एयर फील्ड पोरोसिटी के बारे में। तो एयर फील्ड पोरोसिटी जो है उसे आप इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि वो एक वॉल्यूम फ्रैक्शन है या परसेंटेज ऑफ सॉइल मास ऑक्यूपाइड बाय एयर व्हेन वाटर ऑफ सैचुरेटेड सॉइल इज ड्रेन्ड बाय नॉर्मल 10 सेंटीमीटर सक्शन। जब आपने सॉइल में से पानी को पूरा निकाल दिया तो कितनी हवा का प्रतिशत, कितना आयतन उसने ले लिया पूरे सॉइल मास का, तो वो कहलाता है एयर फील्ड पोरोसिटी। जब पानी निकाल दिया तो सारे जो पोर्स होंगे वो हवा से भर जाएंगे, तो उनने कितना आयतन ले लिया भागे टोटल आयतन कितना था सॉइल का, वो कहलाएगा एयर फील्ड पोरोसिटी। तो आइडल सॉइल के लिए ये होता है कि 50% एयर वॉइड्स रहें और 50% वाटर के वॉइड्स रहें। जब एयर वॉइड्स की पोरोसिटी 20% से कम हो जाती है तो इसका मतलब वो प्लांट ग्रोथ को जो है वो प्रभावित करेगी। हाई सॉइल मॉइस्चर कॉज डेफिशिएंसी, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी बाय ब्लॉकिंग। तो जब पानी जो है वो किसी भी सॉइल में ज़्यादा हो जाएगा तो सारे पोर्स जो है वो भर जाएंगे, जिसके कारण ऑक्सीजन जो है वो रूट तक नहीं पहुँच पाती है। अगला है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ केमिकल एलिमेंट डिपेंड अपॉन द सॉइल एरेशन। अगर सॉइल आपकी वेल एरेटेड है, उसमें हवा का आदान प्रदान अच्छा है, तो उसमें ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स डोमिनेट्स। तो जितने भी एलिमेंट उसमें मौजूद रहेंगे उनके ऑक्साइड्स जो हैं वो डोमिनेट करेंगे, क्योंकि हवा अच्छा आदान प्रदान हो रहा है। लेकिन अगर पुअरली एरेटेड सॉइल है, हवा का आदान प्रदान सॉइल में अच्छा नहीं हो रहा है, तो रिड्यूस फॉर्म ऑफ एलिमेंट आर कॉमन। तो एलिमेंट जो हो जाएंगे वो छोटे छोटे रूप में आ जाएंगे। तो ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो प्रोसेस है उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है,
क्योंकि उसके बाहरी उसमें जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे ज़रूरी रहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन लेके वो अपना जो है वो सर्किल जो है वो पूरा भर ले, 8 कर ले इलेक्ट्रॉनों को। तो इसीलिए वो जो दूसरे एलिमेंट हैं उनसे जो है वो लेती है। तो अदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स आर नाइट्रोजन, आयरन, मैग्नीज एंड सल्फर। ये भी जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रहते हैं, कहीं से इनको इलेक्ट्रॉन मिल जाएं तो ये अपनी आउटर जो वो कक्ष रहता है उसको जो है वो भर सकें। सॉइल एयर को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अगर हम बात करें तो पहला है ड्रेनेज ऑफ वाटर। तो जितना पानी जो है वो कम होगा सॉइल में, उतना अच्छे से सॉइल एयर जो है वो सॉइल में मूव कर सकती है, उतने ज़्यादा पोर्स जो है वो खाली होंगे। ठीक है, तो ये जो है इसको प्रभावित करेगा सॉइल का टेक्सचर, सॉइल की बल्क डेंसिटी, एग्रीगेट का स्ट्रक्चर, उसकी सॉइल की स्टेबिलिटी, सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट, ये सारी चीज़ें ड्रेनेज को प्रभावित करती हैं। रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन द सॉइल, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिपेंड्स ऑन माइक्रोबियल एक्टिविटी। तो कितना अच्छे से रेस्पिरेशन होगा सॉइल में ये निर्भर करता है कि ऑक्सीजन कितना उसमें जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकल रहा है माइक्रोबियल एक्टिविटी के द्वारा। और रेट ऑफ रेस्पिरेशन कितना होगा सॉइल में ये निर्भर करेगा कि सॉइल में मैन्योर कितना है, क्रॉप रेसिड्यूज कितने हैं, सीवेज स्लज कितना है, इन सब ये सब चीज़ें जो है वो इसको प्रभावित जो है वो करेंगे। सॉइल डेप्थ, सब सॉइल और टॉप सॉइल। सब सॉइल मतलब नीचे की मिट्टी, टॉप सॉइल मतलब ऊपर की मिट्टी। तो सब सॉइल यूजुअली वेटर, हाई बल्क डेंसिटी, ऑफन लेस टोटल एंड माइक्रोपोर स्पेस, लोअर ऑर्गेनिक मैटर एंड लोअर स्लोअर रेस्पिरेशन। जो नीचे की मिट्टी होती है उसमें पानी जो होता है ज़्यादा होता है, गीली मिट्टी होती है नीचे की, बल्क डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। जो मैक्रोपोर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर भी कम होता है और रेस्पिरेशन का भी जो रेट होता है वो नीचे की मिट्टी में कम होता है एज़ कम्पेयर टू ऊपर की मिट्टी के। चेंज इन सॉइल कंडीशन, टिलेज के कारण जो है सॉइल की कंडीशन जो है वो बदल जाती है। शॉर्ट टर्म के लिए वो एयर को तो इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होते हैं, जो पोर्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर बात करते हैं सीजनल डिफरेंस। तो जो भी सीज़न चेंज होता है उसके कारण मॉइस्चर और टेम्परेचर जो है वो भी सॉइल का चेंज होता है। ह्यूमिड टेम्परेट रीजन है वेट एंड कोल्ड सॉइल। तो ह्यूमिड जो है जहाँ आर्द्रता होती है, ऐसे क्षेत्रों में जो है वो वहाँ मिट्टी गीली और ठंडी रहती है। जितना अच्छा फेवरेबल टेम्परेचर होगा सॉइल के लिए वो एरेशन को जो है वो बढ़ाता है। अगला है वेजिटेशन। तो वेजिटेशन अगर सॉइल में मौजूद होता है तो वो पानी को ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो है वो हटा सकता है, ठीक है, और वाटर टेबल को जो है वो भी नीचे कर सकता है, अफेक्ट सॉइल टेम्परेचर एंड देयर फॉर रेस्पिरेशन रेट। सॉइल के टेम्परेचर को भी इफेक्ट कर सकता है और रेस्पिरेशन रेट को जो है वो भी जो है वो प्रभावित करता है। सॉइल टेम्परेचर क्या होता है? जनरल स्पीकिंग सॉइल टेम्परेचर अफेक्ट मैनी फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल सॉइल प्रॉपर्टीज़। जो सॉइल का टेम्परेचर होता है वो सॉइल की फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को जो है वो चेंज करता है और जो प्लांट उसके अंदर ग्रो हो रहे हैं। इट अफेक्ट प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ। वो प्लांट की और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है उसको भी जो है वो प्रभावित करता है। ये जो होता है वो सॉइल की इन्वायरमेंटल प्रोसेस जो होती है उसको प्रभावित करता है, जैसे कि सॉइल ड्राइंग बाय एवोपोरेशन।
एवोपोरेशन के द्वारा सॉइल जो है वो सूख जाती है। सॉइल टेम्परेचर जो है सॉइल वाटर की मूवमेंट को प्रभावित करता है, सॉइल में जो वाटर का रिटेंशन है उसको प्रभावित करता है, सॉइल के फॉर्मेशन को भी प्रभावित करता है। कुछ थर्मल कंसेप्ट की बात करते हैं, जैसे हीट। तो हीट तो वो है जब किसी चीज़ को छूने से हमें पता चले वो कितनी ठंडी है या गर्म है। तो हीट जो है वो अलग अलग रूपों में जो है वो एनर्जी के रूप में जो है वो ट्रांसफ़र की जाती है सॉइल में, और इसकी यूनिट जो है वो कैलोरी होती है। टेम्परेचर आपको पता है, कोई भी चीज़ कितनी हॉट या कितनी कोल्ड है वो आपको टेम्परेचर के थ्रू ही जो है वो पता चलता है। ठीक है, सॉइल टेम्परेचर, द स्पीड ऑफ वाइब्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, देन इंटेंसिटी ऑफ हीट और द रेशियो ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉइल इज टर्म्ड एज सॉइल टेम्परेचर। तो कितना एनर्जी सॉइल ने एब्जॉर्ब किया, ठीक है, जितनी आ रही है, तो वो सॉइल टेम्परेचर कहलाता है। तो सॉइल टेम्परेचर जो है वो -20 से लेकर के 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक वेरी करता है। तो ये एक डिफरेंशियल फॉर्म है फॉरियर लॉ का थर्मल कंडक्शन के बीच पे। तो जो लोकल हीट फ्लक्स है क्यों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के, वो एक हीट फ्लक्स जो होता है वो डायरेक्टली इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ के एंड डेल्टी। के जो है वो थर्मल कंडक्टिविटी है और डेल्टी जो है वो लोकल टेम्परेचर ग्रेडियंट नेगेटिव। ठीक है, तो हीट फ्लक्स जो होता है, हीट फ्लक्स डेंसिटी जो होती है, इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट फ्लोज थ्रू अ यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। किसी यूनिट एरिया से प्रति यूनिट टाइम में कितना अमाउंट ऑफ हीट जो है वो फ्लो हो रहा है वो आपका हीट फ्लक्स डेंसिटी कहलाएगा। तो उसे आप इस फॉर्मूले के थ्रू जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ जो x दिखाया गया है वो सॉइल की जो है वो थिकनेस जो है वो कहलाती है। सो यहाँ पे आपका लेक्चर ओवर होता है। आपको एक्सप्लेन करना है कि गैस एक्सचेंज के बारे में, कि गैस एक्सचेंज कैसे होता है सॉइल में। लर्निंग आउटकम की बात करें तो आज आपने ये देखा कि कितने तरीके से जो है वो सॉइल में गैस एक्सचेंज होता है, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो उन्हें प्रभावित करते हैं, और सॉइल टेम्परेचर क्या है, इन सब के बारे में आज आपने पढ़ा है। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जहाँ से मटेरियल्स लिए गए हैं। सो थैंक यू। अगर आपके इसमें कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ के क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।